नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त सचिन जोशी आज आपके लिए लेकर आया हूं अमीर खुसरो के बारे में एक बेस्ट वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम लोग अमीर खुसरो के जीवन परिचय को जानेंगे, कहां इनका जन्म हुआ था, कितने प्रकार की इन्होंने रचनाएं दी और दोस्तों इनका साहित्य में क्या योगदान रहा। बहुत ही प्रभावशाली दोस्तों ये लेखक हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी आप परीक्षा देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे जहां पे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आपको इनसे एक नए क्वेश्चन जरूर आ ही जाएगा। ठीक है, आइए इनके बारे में बिना देर किए हुए जानते हैं। दोस्तों इनका नाम है अमीर खुसरो, ये है आदिकाल के कवि और आदिकाल की जो समयावधि मानी गई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो दोस्तों हुआ 1253 ईस्वी में, और दोस्तों जो जन्म हुआ वो हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक गांव में। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला नामक गांव में अमीर खुसरो का 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं, जब ये केवल 7 वर्ष की अवस्था के थे तब दोस्तों इनकी माता का देहावसान हो गया, इनकी माता नहीं रही और दोस्तों इनका पूरा का पूरा लालन पालन जो था ननिहाल में हुआ, और इनका ननिहाल जो था यानी नाना का जो घर था वो कहां पे था, दिल्ली में। ठीक है, और दोस्तों इनके जो नाना थे और इनके जो पिता थे, पहले इनके पिता के बारे में जान लीजिए। इनके पिता का जो नाम था दोस्तों वो था सैफुद्दीन। क्या नाम था? सैफुद्दीन। और दोस्तों अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों कुछ अलग था। अमीर खुसरो को अमीर की जो उपाधि थी वो जलालुद्दीन खिलजी से मिली थी, और दोस्तों जो खुसरो का अर्थ होता है सम्राट या बादशाह। ठीक है, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो है अबुल हसन यमीनुद्दीन। क्या है दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन, और इनके पिता का क्या नाम था? सैफुद्दीन। एक चीज आपसे परीक्षा में ये जरूर पूछ लिया जा सकता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था, इनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन था। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इनको अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको ये उपाधि दी थी। और ये जो खुसरो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो खुसरो का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट या बादशाह। इस प्रकार आपसे अगर क्वेश्चन ये आता है कि अमीर खुसरो का शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो आप लिख सकते हैं अमीर बादशाह या अमीर सम्राट। ठीक है, अब दोस्तों हम कहानी पे आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में अमीर खुसरो के माता का देहावसान हो गया, इसके पश्चात इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ यानी नाना के घर में हुआ, नाना का घर दिल्ली में था। इनके जो नाना थे और इनके जो पिता सैफुद्दीन थे, ये दोनों ही दोस्तों निजामुद्दीन औलिया नाम के एक गुरु के शिष्य थे। तो दोस्तों उसी गुरु का शिष्य अमीर खुसरो को भी बना दिया गया, या कहे तो उनसे दीक्षित करा दिया गया। तो दोस्तों जो गुरु का नाम है अमीर खुसरो के वो क्या है? निजामुद्दीन औलिया। याद कर लीजिएगा, गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, इनके पिता भी इनके शिष्य थे, इनके नाना भी इनके शिष्य थे, इसलिए 8 वर्ष की अवस्था में ही गुरु निजामुद्दीन औलिया से इनकी भेंट करवा दी गई और अमीर खुसरो ने अपने गुरु को पहचान लिया, यानी क्या है तो इनके शिष्य बन गए और इनको अपना गुरु मान लिया। दोस्तों अमीर खुसरो अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे, इस बारे में आपको तो पता ही होगा, वो बहुत ज्यादा इनको प्रेम करते थे। कुछ समय तक गुरु के साथ रहने के बाद दोस्तों गुरु से इनको इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि इन्होंने अन्य सारी चीजों को छोड़ दिया, सभी से ये विरत हो गए, इनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये क्या करने लगे दोस्तों, कुछ समय के बाद
अपने गुरु के साथ रहते थे और गुरु जो शिष्यों को उपदेश देते थे उस उपदेश को अमीर खुसरो क्या करते थे, संकलित किया करते थे, यानी उसको लिखते थे कि गुरु ने शिष्य को ये उपदेश दिया, तो गुरु के उपदेशों को वो एक जगह पे एकत्रित किए, संकलित किए और दोस्तों एक पुस्तक बनाई और उस पुस्तक का क्या नाम था, अफजल उल फवाइद, अफजल उल फवाइद ये नाम का पुस्तक दोस्तों उन्होंने बनाया और फाइनली अपने गुरु को भेंट की। गुरु को जब ये पुस्तक प्राप्त हुआ और उन्होंने ये देखा कि हमारे द्वारा जो शिष्यों को उपदेश दिया गया है उसी का यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा है, तो वो अति प्रसन्न हुए और फिर उपहार के रूप में या प्रसन्न होकर के जो अमीर खुसरो है इनको उन्होंने एक लबादा और एक चार कोने की टोपी दी, चार कोने की टोपी उपहार में दिया। ठीक है, ये एक लबादा और चार कोने की टोपी अमीर खुसरो को कहां से प्राप्त हुआ, अपने गुरु से उपहार स्वरूप। कब प्राप्त हुआ, जब उन्होंने अफजल उल फवाइद नाम का किताब जो है अपने गुरु को भेंट किया जिसमें उनके गुरु के ही सभी उपदेश संकलित थे। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है कि अफजल उल फवाइद की भाषा क्या है, तो दोस्तों इसकी जो भाषा है वो है फारसी। ठीक है, कौन सी भाषा है, फारसी। और एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि अमीर खुसरो ने तीन भाषाओं में काव्य लिखे हैं, फारसी में, उर्दू में और ब्रज भाषा में। कौन कौन से में दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने तीन भाषाओं में काव्य लिखे हैं, तीन भाषाओं में रचनाएं की हैं, ब्रज भाषा, उर्दू और फारसी, ये तीन भाषाओं में। अब आप बोलोगे हिंदी में भी तो किए हैं, जी हाँ दोस्तों हिंदी में किए हैं, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा में जितनी भी रचनाएं लिखी उनको इन्होंने हिंदवी की संज्ञा दी। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने हिंदी में जो रचनाएं लिखी उसको क्या कहा गया, हिंदवी कहा गया। ठीक है, अच्छा आइए इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी एक रचना है खालिक बरी, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ये एक प्रकार का शब्दकोश है जिनमें हिंदी और उर्दू के पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सी है, खालिक बरी। ठीक है, खालिक बरी, बारी नहीं है, खालिक बरी। दोस्तों ये जो रचना है ये एक प्रकार का शब्दकोश है और ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और आप अमीर खुसरो का काव्य पढ़ रहे हैं जिसमें उर्दू के शब्द आ गए हैं और आपका अर्थ नहीं पता है, तो निश्चित रूप से आप उस अर्थ को खालिक बारी में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हालत ए कन्हैया, एजाज खुसरबी, इस प्रकार के जो रचनाएं हैं वो दोस्तों अमीर खुसरो के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और एक बात और दोस्तों कि अमीर खुसरो ने मसनबियां हो गया, दोहे हो गए, दो सुखने हो गए और गीत हो गया, कव्वाली हो गया, कविता हो गया। ठीक है, बहुत प्रकार की रचनाएं रची हैं, विविध प्रकार की रचना रची हैं। इन्होंने जो मसनबियां लिखी है दोस्तों, मसनबियां भी इन्होंने तीन प्रकार की लिखी है। अब सोचो मसनबियां भी इन्होंने तीन प्रकार की लिखी है, कौन कौन सी मसनबियां लिखी है देखिएगा ध्यान से। ये पहली जो प्रकार है वो रजमिया प्रकार की रश्मियां इन्होंने लिखा है, दूसरा इन्होंने इश्किया लिखा है और तीसरा इन्होंने दोस्तों जो लिखा है वो लिखा है सूफियाना। क्या लिखा है, सूफियाना। जो इनका मसनबियां है उनके भी प्रकार है, रजमिया मसनबियां, इश्किया मसनबियां और सूफियाना मसनबियां। बहुत ही खतरनाक लेखक थे, प्रभावशाली लेखक थे अपने समय के, इनको अमीर की उपाधि भी मिल गई। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था, यह भी बता दिया। कुल मिला के सब कुछ जानकारी मैंने आपको दे दिया। अभी बात करते हैं इनके मृत्यु को लेकर, तो दोस्तों इनके गुरु की जब मृत्यु हुई तब ये अपने गुरु के पास नहीं थे, कहीं बाहर गए थे और जब उनको वहीं पे ये समाचार मिला कि आपके गुरु की मृत्यु हो गई तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा उदास हो गए, विक्षिप्तावस्था में ही आकर गुरु के चरणों में गिर पड़े, बहुत रोए, उदास हो गए, जीवन उनको अच्छा नहीं लगने लगा अपना और फिर उनको ये लगने लगा कि गुरु के बगैर यहाँ पे मेरा कोई नहीं है, अब मेरा भी जीवन यहाँ नहीं चल सकता। और दोस्तों लगातार दुखी रहने के कारण, उदास जीवन बिताने के कारण 6 महीने के अंदर या कहें 6 महीने के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। तो इनके मृत जो है वो गुरु से 6 महीने बाद 1325 ईस्वी में हो गया।
जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। फिलहाल दोस्तों इन्होंने अपने जीवन काल में जितनी भी प्रभावशाली ढंग से लिखी हुई रचनाएं दी है समाज को, निश्चित रूप से उनका योगदान हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगा और बहुत बहुत बड़ी चीज उन्होंने हिंदी साहित्य को देकर गए हैं, समझ लो। ठीक है, तो बहुत बड़े लेखक हैं। ठीक है, फिलहाल सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई भी होगी, एंड अगर आपको रियली में पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों हमारे परिश्रम के लिए। नेक्स्ट जो लेखक आने वाले हैं चैनल पे वो है सूरदास, जिनके बारे में पूरी की पूरी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अन्य लेखकों के बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।